योग को घर घर पहुंचाने वाले बाबा रामदेव ने अब अपने पतंजलि प्रोडक्ट को हर द्वार यानी दरवाजे तक पहुंचाने का वादा किया है। ये बाबा रामदेव का ऐसा बिजनेस योग है जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर देने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर मौजूद रहेगा। अब पतंजलि के प्रोडक्ट को नामचीन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां बेचेंगी। ऐसे में सवाल है कि पतंजलि प्रोडक्ट के बहाने बाबा रामदेव जिस स्वदेशी क्रांति की बात करते थे, क्या उस स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए बाबा विदेशी कंपनियों का सहारा ले रहे हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए विदेशी कंपनियों की मदद ले रहे हैं। इसी तरह बड़ा सवाल यह भी है कि जिस स्वदेशी के लिए बाबा रामदेव ने बड़ी बड़ी बातें की, स्वदेशी की लड़ाई लड़ते लड़ते बाबा कांग्रेस से टकराए और बीजेपी के करीब आए, क्या अब उस बाबा रामदेव का बीजेपी से मोह भंग हो गया है? क्या बिजनेस के लिए बाबा ने मोदी से वफादारी बदल ली है और पूरी तरह फायदे तलाशने वाले बिजनेसमैन बन गए हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए खुद योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि पहले आपको एक क्रांतिकारी के तौर पर भी जाना जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव की पहचान एक कारोबारी के तौर पर ज्यादा हो गई है। देखिए सुमेरा जी, योग और कर्मयोग ये मेरा पहले भी जीवन का सर्वोपरि धर्म था और आज भी है। ये स्वदेशी उद्योग, जिस स्वदेशी का सपना महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने देखा, सारे हमारे चाहे वो गर्म दल के या नरम दल के नेता थे, सबका एक सपना था हमारा देश स्वदेशी से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, आत्मगौरव को प्राप्त करे। आज देश में आर्थिक और जो सांस्कृतिक गुलामी है उससे देश को बाहर निकालने के लिए पतंजलि ने कभी भी ना तो अपने मूल्यों से, आदर्शों से, विचारधारा से समझौता किया और ना आज कर रहा है। जो आपने अभी अपनी ब्रीफिंग में बोला कि विदेशी प्लेटफॉर्म का हम यूज कर रहे हैं, हमारे कोई भी प्रोडक्ट में पहले तो हम इतना सामान्य सा उनको जो है मार्जिन दे रहे हैं जिससे कि उनको अपने खर्चे चला सकते हैं। बाकी कंपनियों के तो वो डिस्काउंट पर प्रोडक्ट बेचते हैं, सबको पता है जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि ये जितने भी देसी विदेशी प्लेटफॉर्म है सब लॉस कर रहे हैं, भविष्य में कमाने की उम्मीद से काम कर रहे हैं। लेकिन पतंजलि पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, हमने जो इनको डिस्काउंट दिया वो इतना दिया है कि ये अपना बस खर्चे चला सके। तो पतंजलि से कोई भी देसी विदेशी कोई भी जितने भी प्लेटफॉर्म है ये कमा नहीं सकेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि 25 से 50-100% तक हमारे प्रोडक्ट पहले ही सस्ते हैं, चाहे वो हमारा हनी है, चाहे हमारा च्यवनप्राश है, चाहे हमारी आयुर्वेद की औषधियां, आंवला, अविपत्ति कर चूर्ण, मोती पिष्टी आदि कोई भी दवाइयां हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट में आप चले जाइए, चाहे वो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे हमारे टूथपेस्ट हैं, चाहे हमारा जो है ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम है, एलोवेरा जेल है, केशकांति शैंपू तक। लेकिन बाबा अगली बात, आप स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर विदेशी ब्रांड मिलते थे, देसी ब्रांड ही नहीं मिलता था, हमने देसी ब्रांड उपलब्ध कराया और उससे जो भी प्रॉफिट होगा आज तक भी हमने 100% चैरिटी में लगाया और आगे भी 1,00,000 करोड़ की चैरिटी की हमारी योजना है कि इस देश में एजुकेशन का दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाना, लाखों करोड़ों बच्चों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, गो सेवा, गरीब की सेवा, गांव की सेवा, यही हमारा लक्ष्य था। पतंजलि ने अपने कोई भी मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया है, ना किसी को इक्विटी बेची है, ना आगे बेचेगा। अभी भी एक विदेशी ब्रांड ने करीब 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की कि हमको कुछ इक्विटी दे दी, मैंने कहा नहीं, पतंजलि की इक्विटी किसी को, व्यापारी को नहीं मिलेगी और पतंजलि का उत्तराधिकारी भी कोई व्यापारी और संसारी नहीं होगा। लेकिन बाबा रामदेव, आपने खुद क्योंकि जिक्र किया इसलिए मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, और ये सवाल सबके मन में है कि आप भले ही उन्हें इक्विटी नहीं दे रहे हैं लेकिन आप बाहर से विदेशी निवेश तो ले रहे हैं, एफडीआई ले रहे हैं आप स्वदेशी ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए, तो विदेश को मुनाफा, तो विदेशी कंपनी मुनाफा तो कमाएगी, देंगे या नहीं? उन लोगों ने किसी, अभी सुमेरा जी ये तो जो आप बात कर रहे हैं ये जो है फॉरेन इक्विटी का बहुत बड़ा एक ब्रांड है, नाम है, उन्होंने प्रस्ताव दिया, हमने तो बात ही नहीं की, अभी मिले ही नहीं, कोई समझौता ही नहीं हुआ। उन लोगों ने पतंजलि का इतना बड़ा यश, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, ये स्वदेशी के लिए गौरव की बात है कि उन लोगों ने प्रस्ताव दिया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्यों हाय तो कर रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं, तो बाबा रामदेव हमने तो स्पष्ट बोल दिया फिर आज आप किसी भी विदेशी कंपनियों को इक्विटी नहीं देंगे, तो आप इक्विटी भी नहीं देंगे और विदेशी निवेश भी नहीं लेंगे, क्या ये आप यहां पर आज हमारे प्लेटफॉर्म पर ये बात साफ कर रहे हैं? देखो हमने कहा लोन के तौर पर देश विदेश के बैंक
आपस में जुड़े होते हैं। लोन के तौर पर किसी भी विदेशी बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से यदि आप पैसा लेते हैं तो ये स्वदेशी के साथ समझौता नहीं है। मैं कोई जो है रिटेल सेक्टर में एफडीआई की भी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना कोई अपने इक्विटी दे रहा हूं। अब कोई लोन पर पैसे भी देने की बात करें, अभी तो वो भी बात नहीं हुई है। विदेशों से भी कोई हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, कोई हमें इक्विपमेंट देने पड़ते हैं, इसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, आज भी जो हमने पतंजलि में इक्विपमेंट लगाए, सैकड़ों करोड़ रुपए के हमें इक्विपमेंट बाहर से खरीदने पड़े। हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने जो करोड़ों रुपए की मशीनें लगाई, हिंदुस्तान में बनती नहीं तो फिर लानी पड़ेगी। हम एक भी पैसा बाहर लेकर के नहीं जाएंगे, ये बात पक्की है। लेकिन जो इक्विपमेंट, जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिल रही अपने देश में, उसकी तो हमें मशीनें और वो तकनीकी तौर पर तो सहायता लेनी पड़ेगी विदेशों से। विदेशी मशीनें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशी मशीनें लेना एक अलग बात है, और विदेशी निवेश लेकर अपनी कंपनी को बड़ा करना, जाहिर सी बात है अगर कोई विदेशी कंपनी निवेश करेगी तो वो मुनाफा देश के बाहर लेकर जाएगी, जो मुनाफा कमाएगी। हम तो लिया ही नहीं है सुमेरा जी, तो वैसे ही शोर मचा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। लेकिन आपने एफडीआई की बात की, रिटेल ना बात की है सर, रिटेल में एफडीआई का आप विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार की तो हर नीति की आप तारीफ करते थे, तो यहाँ पर क्या मोदी सरकार के समर्थक से ज्यादा कारोबारी बनकर बात कर रहे हैं आप? क्या हर बात में आप कारोबारी कारोबारी, आपने कहने का ठेका ले रखा है तो आप कहते रहिए। मैं एक सन्यासी हूं, देश की सेवा कर रहा हूं, क्या देश की सेवा करना गुनाह है क्या? इन विदेशी कंपनियों के सामने, नेस्ले के सामने, कोलगेट के सामने, पीएनजी के सामने, लक्स लाइफ बॉय फेयर एंड लवली के सामने कौन खड़ा हुआ था? यदि मैंने स्वदेशी का काम किया तो कोई अपराध कर दिया? किस बात का कारोबारी? नहीं सर, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ सुमेरा जी आपके ऊपर, लेकिन बार बार आप टॉर्चर करके बोलना चाहेंगे तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूं। स्वामी रामदेव का कोई एक बैंक अकाउंट नहीं है। मैंने अपनी पर्सनल वेल्थ प्रॉस्पेरिटी क्रिएट नहीं की है। मैंने अपने लिए कोई भी काम इस धरती पर नहीं किया है सिवा देश की सेवा के। एफडीआई इन रिटेल, इसका आप विरोध कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार की सब नीतियों का आप समर्थन करते रहे, तो इसके विरोध के पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं एक हिंदुस्तान का जागरूक नागरिक हूं, और किसी भी बात पर सहमति या असहमति रखना ये मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट है। यदि मैं रिटेल में एफडीआई को देशहित में नहीं देखता हूं, आज इससे पहले तो बीजेपी के भी हमारे जितने भी लोग हैं वो भी विरोध करते थे, संघ भी इस बात का विरोध करता रहा, और भी तमाम लोग विरोध करते रहे, तो इसमें आपको प्रश्न मुझसे पूछने के बजाय बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए कि वे कल आप रिटेल में एफडीआई का विरोध करते थे, आज समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों फिर सरकार, मैं उसको स्वदेशी को बढ़ाने की बजाय विदेशी निवेश को बंगा रही है, एफडीआई इन रिटेल को मंजूरी दी है सरकार ने? मैं उसको देश हित में अच्छा नहीं मानता, मैंने अपनी राय दे दी। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आप मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो राजनीति में भी आप अपना दखल रखते रहे हैं। जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो आपने उसमें अपनी प्रमुखता से भूमिका निभाई थी। 2019 के पहले आप अपनी किस तरह की भूमिका देखते हैं? देखिए सुमेरा जी, मेरा पॉलिटिकली एकदम साफ मत है, मेरा मूल धर्म योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, लेकिन आपद धर्म के तौर पर राष्ट्र के लिए कोई चुनौती आती है तो उसके ऊपर अपना कर्तव्य निभाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। और जहां तक सहमति और असहमति का प्रश्न है, जो भी अपनी राय है वो हमें खुल के रखनी चाहिए, और इसमें तो राजनीतिक पार्टियों में भी जो उनके इंटरनल प्लेटफॉर्म होते हैं, क्योंकि बीजेपी तो खास करके कोई वंशवाद की पार्टी तो है नहीं, तो उसमें तो खुद उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, तो किसी एक मुद्दे पर असहमति का अर्थ मोदी जी से कोई झगड़ा नहीं है। चलिए, ये आपने साफ कर दिया कि मोदी जी से झगड़ा नहीं है, क्योंकि आप राजनीतिक मंचों पर आजकल दिखाई नहीं देते, तो उससे भी ये सवाल उठते हैं कि क्या कोई मतभेद है, और अब आप खुले तौर पर क्योंकि विरोध भी कर रहे हैं उनकी एक नीति का ही भले ही, तो क्या कोई मतभेद है, या आप साफ कर रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है? नहीं, मोदी जी के साथ कोई मनभेद, कोई मतभेद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं। लेकिन एक ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आज आपने सबको बताया कि किस तरह से पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं वो जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहां पर मौजूद रहेंगे। पहले भी पतंजलि के प्रोडक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर मिल रहे थे, फिर आज नया क्या हुआ है मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं।
देखिए सुमेरा जी, बेशक इसके साथ व्यापार जुड़ा है, लेकिन ये उपकार के लिए, ये अर्थ परमार्थ के लिए, ये प्रॉस्पेरिटी चैरिटी के लिए, इसलिए मैं इसको स्वदेशी सेवा की संज्ञा देता हूँ। और इसके पीछे मेरा मत साफ है कि अभी तक तो हम इसको मोरली कर रहे थे, अभी तो लीगली भी पतंजलि को हम एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो आपने आज इस देश में जो आपने आज बताया है किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल्स पर मौजूद रहेंगे आपके तमाम प्रोडक्ट्स, उससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा या इसमें सिर्फ पतंजलि के फायदे की बात है? ये एक फायदा मिलेगा कि जो जिन लोगों की अभी तक पतंजलि तक पहुंच नहीं थी, हमने हरिद्वार से हर द्वार तक वो पहुंच बना दी इसी स्लोगन के साथ। बाबा रामदेव, हमने करीब ऐसे मिला के करीब 1500 हमारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। और एक और दर्शकों से जुड़ा, आम लोगों से जुड़ा एक सवाल है कि आपके प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, अब आपका मिशन है कि आप द्वार द्वार तक यानी हर घर तक पहुंचाएंगे अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन एक शिकायत भी है लोगों की शायद जो बहुत पसंद करते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट की, पतंजलि के प्रोडक्ट जो बाकी प्रोडक्ट मिलते हैं कंपनियां जो बाकी बनाती हैं इसी तरह के प्रोडक्ट बाजार में, उनके या तो बराबर उसके दाम है या कभी कभी महंगे भी होते हैं, तो क्यों नहीं आपके प्रोडक्ट्स और सस्ते आप करते जबकि आप तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ताकि और ज्यादा देश में लोगों तक आपके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पहुंच सके, क्या इस तरह का कोई प्लान है? सुमेरा जी, आपके प्रश्न का मैं बहुत गंभीरता से उत्तर देता हूं। एक गाय के घी को छोड़कर के उसके ऊपर भी 12% जीएसटी लगा दी है। मैंने प्रार्थना की है जितनी हिसाब से कि गौमूत्र के ऊपर, गोनाइल के ऊपर और गाओ बटर के ऊपर जीएसटी कम कर दीजिए, तो हम तो ऐसे ही घी के 40-50 रुपए दाम घटा देंगे और घटाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। घी को छोड़ करके, क्योंकि उससे सस्ते में हम बना नहीं सकते, उसके ऊपर जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, आप हमारा नमक देखिए 8 रुपए किलो है, हमारा घी देखिए झंडू की डाबर की तुलना में वो करीब 250 ग्राम पर ही 60-70 रुपए सस्ता है। आप ITC आटा देखिए हमारा सस्ता है, बिस्किट हमारा देख लीजिए किसी भी ब्रांड से हमारा सस्ता है, हमारे तेल वो चाहे वो अडानी विल्मर जो आदि विदेशी कंपनी है और बाकी देसी ब्रांड रूचि आदि देख लीजिए, उनसे हमारे सरसों के तेल से लेकर के सोयाबीन का, सनफ्लावर का, मूंगफली ग्राउंड नट मूंगफली का, सारे तेल हमारे सस्ते हैं। आप यदि मैं च्यवनप्राश में आऊं तो च्यवनप्राश हमारा जो है 500-500 रुपए के लोग बेचते हैं केसर युक्त च्यवनप्राश, हम 250 रुपए का देते हैं। बाबा रामदेव, अब बात आती है पर्सनल केयर की, हमारे साबुन बाबा रामदेव, लेकिन क्या 25-100% सस्ते हैं? मोती पिस्ते हीरे की भस्म हमारी 10 गुना सस्ती है सुमेरा जी, 10 गुना जी। ठीक है बाबा रामदेव, लेकिन क्या, क्योंकि आप खुद ही एडवर्टाइजमेंट में आप खुद ही एडवर्टाइज करते हैं, मतलब आप खुद ही अपने ब्रांड को आगे बढ़ाते हैं, तो आप तो कोई मुनाफा लेते भी नहीं है, तो जो ब्रांडिंग आप अपने प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि उसकी वजह से, क्योंकि वो लागत भी उस प्रोडक्ट में जुड़ जाती है, उसकी वजह से वो बहुत महंगा और महंगा हो जाता है, वो शायद कम हो सकता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट तो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लोग पहचानते हैं, आपका नाम घर घर तक पहुंच चुका है, और आपको तो किसी स्टार को भी लेने की जरूरत नहीं, आप लेते भी नहीं, आप तो खुद ही उसमें स्टार है और आप पैसा भी नहीं उससे कमाते, तो वो पैसा भी तो कम हो सकता है, आम लोगों तक पहुंच सकता है और सस्ता प्रोडक्ट। देखिए सुमेरा जी, एक ब्रांड का ठीक एंडोर्स करने का 5-5, 10-10 करोड़ रुपए जो है वो उनसे कंपनियों से वसूलते हैं जो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स, वो आप देखो ना पूरा, आपको मैं सुमेरा जी एक एक प्रोडक्ट का बता सकता हूँ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने हाथों से बनाए और इनकी प्राइसिंग के ऊपर जो है हमारी सहमति जरूरी होती है, और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ 25% से लेकर के 100% हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, और जिन भी चीज़ों में जैसे मैंने कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि जीएसटी पर ये लोग थोड़ा पुनर्विचार करेंगे, तो हम घी भी जो पतंजलि का भी थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन 100% प्योर है और उसको हम जरूर जो है सस्ता करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। और भी जिन प्रोडक्ट्स में एक में और तेल से लेकर के प्रोसेसिंग पर जिस भी तरह से संभव हो सकता है हम कम से कम दाम में लोगों को उपलब्ध कराना हमारा मकसद है। ठीक है बाबा रामदेव, आपने बताया कि आपका जो नया मिशन है, आपका जो नया लोगो है पतंजलि को लेकर, वो ये है कि द्वार तक, हर द्वार तक आपको इसे पहुंचाना है, बिजनेस को और कितना बढ़ाना है, कितना बड़ा करना है, क्या लक्ष्य है आगे अगले 1 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए पतंजलि का? विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट व गुलामी से देश को बचाना, ये लक्ष्य है हमारा। आप एक स्वदेशी चैनल है इस देश में और शुद्ध स्वदेशी है, मुझे पता है कि जी ने कोई इक्विटी विदेशियों को नहीं बेची है जी, तो आपको जैसे खुशी होती है एक स्वदेशी चैनल होने की, मुझे खुशी है कि जिस कोलगेट को, जिस नेस्ले को,
जिस यूनिलीवर को, जिस पीएनजी को, तमाम इन विदेशी कंपनियों को आज हिंदुस्तान में कोई उनको टक्कर देना तो बहुत दूर की बात नहीं, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज हमने उनके सामने एक चुनौती प्रस्तुत की है और बहुतों का तो हमने शीर्षासन करा दिया, थोड़ा मोक्ष और अंत्येष्टि बाकी है। हमारा लक्ष्य होगा, हम बहुत जल्दी अभी दिव्य जल भी लॉन्च कर रहे हैं, हम डेयरी सेक्टर में भी आ रहे हैं, क्योंकि डेयरी में भी कितना दूध लोगों का बेकार हो जाता है, इस समय तो दूध के दाम भी नहीं मिल रहे अपने किसानों को। हम टेक्सटाइल में भी आ रहे हैं, लक्ष्य होगा हमारा 1,00,000 करोड़ रुपए का इस ब्रांड को बनाना। और विदेशी कंपनियां जो इस देश के करीब 50,00,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर जो है एक तरह से फन फैलाए बैठी हैं, कुंडली मार करके बैठी हैं, उनसे इस देश को बचाना, और इसमें हम कामयाब होंगे। और सर कितनी आलोचनाएं हो, अगले एक साल के लिए प्रश्न करें सर, ठीक है, बिजनेस का आपने बता दिया कि आपका क्या मॉडल होगा और क्या लक्ष्य है, लेकिन 2019 के लिए आपका राजनीति के लिए क्या प्लान है? देखिए, राजनीति मैंने कहा मेरा जो है वो फुल टाइम जॉब नहीं है, वो आपद धर्म है मेरा, कि जब कोई देश के लिए प्रश्न आएगा तब उसकी बात करेंगे। मुझे लगता है इस समय कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिक आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि देश में क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, इनोवेटिव काम ज्यादा से ज्यादा कैसे किए जाएं, देश को आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक, चारित्रिक दृष्टि से कैसे उन्नत बनाया जाए, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेकर के, रिसर्च को लेकर के, रिटेल में एफडीआई का विरोध करना तो आपका 2019 का गेम प्लान नहीं है। काम करता रहूंगा, देश की सेवा करता रहूंगा, 2019 का ये आपका गेम प्लान नहीं है। विदेशी निवेश, एफडीआई जो रिटेल में हो रहा है सरकार की तरफ से जिसे मंजूरी मिली है उसका विरोध करना, वो 2019 का गेम प्लान तो नहीं है? देखिए, कोई गेम प्लान नहीं है, आपको पता है सुमेरा जी, आपने इससे पहले भी मेरे साथ कई बार इंटरव्यू लिए हैं जी, मैं कोई हिडन एजेंडा के तहत काम नहीं करता, जो करता हूँ बहुत सहजता के साथ बेबाकी से कहता हूँ और करता हूँ। मेरा एक ही एजेंडा है, कंट्री फर्स्ट, मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, धर्म का मतलब कोई मजहबी उन्माद नहीं, मैंने वो जो हमारी आध्यात्मिक मॉरल वैल्यूज जिससे कि एक इंसान इंसान बनता है, मैं खाली सामान बनाने का काम नहीं करता, अच्छा इंसान बनाता हूँ, उसके लिए भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलाता हूँ और अच्छी सन्यासी भी दूंगा बहुत जल्दी देश को। और बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये आश्वासन भी देने के लिए कि आपके प्रोडक्ट जल्दी ही और सस्ते भी हो सकते हैं और आप कोशिश करेंगे कि उनको और सस्ता बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके लक्ष्य को आप अचीव करेंगे, जो घर घर द्वार द्वार तक पहुंचने का आपका लक्ष्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए।